हमारा बेटा। बेटा कहाँ था तू? इतने दिनों से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। बेटा इधर उधर क्या देख रहा है? अरे हम तेरे माँ पापा। अरे हम माँ पापा? हाँ आप लोग यहाँ? बेटा बेटा तुम्हें तो कहा था कि गांव की जमीन बेचकर यहाँ शहर में आ जाओ मेरे पास, सो हम आ गए। बेटा जैसे तूने बोला हमने वैसे ही किया, गांव की सारी जमीन बेचकर पैसे लाकर तुम्हें दे दिए और गांव से शहर चले आए। लेकिन लेकिन बेटा जो तुमने पता दिया था ना, वो शायद मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई। जब हम उस पते पे गए तो वहाँ तो कोई दूसरा आदमी था बेटा। हाँ और जो तुम्हारा नंबर है ना हमारे पास, वो तो बेटा बंद आता है, और दूसरा कोई नंबर भी नहीं था हमारे पास तुम्हारा। बेटा इसलिए ना तो हम गांव वापस जा सकते थे और ना ही हम तुम्हारे पास आ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा पता तो हमारे पास था नहीं। बस 2 महीने से ऐसे ही भटक रहे हैं बेटा। ये तो ईश्वर की मेहरबानी है कि उसने हमें तुमसे मिलवा दिया। बेटा तू भी बहुत परेशान हुआ होगा ना जब हम तुम्हें नहीं मिले होंगे। मैं तो इनसे यही कह रही थी कि हमारा बेटा भी हमारे लिए परेशान हो रहा होगा। बेटा मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो ठीक भी है नहीं है। बेटा ठीक है ना तू? हाँ माँ चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा बेटा वो हमें बहुत भूख लगी है, पिछले 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया बेटा, जल्दी से घर ले चलो, यूं ही भटक रहे हम। वो बेटा रात को हम स्टेशन पर सोए थे, किसी ने हमारा सारा सामान चोरी कर लिया, वहाँ से कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। बेटा तुम्हारे साथ रहने के लालच में ना गांव से शहर तो चले आए, पर हम बहुत परेशान हुए। हम तो ना गांव में ही अच्छे थे, पर भगवान का शुक्र है तू मिल गया ना। बेटा हमें घर ले चल। हाँ हाँ माँ हम घर चलेंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद घर चलेंगे। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। चलो चल चल। माँ मैंने आप लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, तब तक आप ये बिस्किट खा लीजिए, बस खाना आता ही होगा 2 मिनट में। अच्छा माँ मेरी ना एक बहुत ज़रूरी फाइल रह गई है, अभी ऑफिस से कॉल आया था तो मैं बस उसको लेके आता हूँ, तब तक आप लोग खाना खाइए मैं आता हूँ। नहीं नहीं बेटा हमें तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, तुम्हारे साथ ही जाना है। बेटा तू हमें अपने साथ ही ले चलना, छोड़ के मत जा। अरे माँ पापा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा, बस मेरी फाइल रह गई है, बहुत अर्जेंट है, मैं यूँ गया और यूँ आया, आप लोग तब तक खाना खाइए। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो अभी आदमी था वो आपका बेटा था क्या? जी हाँ हमारा ही बेटा था। क्या आ गया वो? कहाँ है हमारा बेटा? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है आपका बेटा? वो हमारे यहाँ से 6,000 का सामान लेके गया और उसने बोला कि मेरे माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, वो पैसे देंगे। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, आता ही होगा हमारा बेटा, वो दे देगा अपने आप। हाँ आता ही होगा। हाँ। अच्छा समझ गई मैं, अब नहीं आएगा वो, मेरे पैसे दो तुम दोनों। पैसे? कैसे पैसे? मेरे सामान के पैसे और कैसे पैसे? पर बेटा हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा मुझे पता है तुम दोनों के साथ क्या करना है, चलो मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। मैं माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। क्यों क्या हुआ सर? मैम आपने मुझे तो चेक दिया था ना, वो चेक नकली है। मैम मेरे सारे पैसे डूब गए, अगर मैम आप ना मेरे पैसे वापस करिए वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे कितना भरोसा किया था मैंने आपके ऊपर। क्या कहा आपने? भरोसा? आपके माता पिता ने भी यही भरोसा किया था ना आप पर, लेकिन आपने क्या किया उनके साथ? उनको धोखा दिया, याद आया कुछ? ये क्या कह रही हैं आप, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब तो आप कुछ समझेंगे ही नहीं क्योंकि आपको वो बात तो याद होगी नहीं। याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आपके माता पिता आपको गांव से ढूंढने आए थे और आपने क्या किया उनके साथ? उनको कैफे पर छोड़ कर चले गए, ये बोलकर कि आप उनके लिए खाना लेने जा रहे हैं। शर्म नहीं ऐसी गंदी हरकत करते हुए? और आपको पता है मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली? उस कैफे के ओनर ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि किस तरीके से उनका बेटा उनको वहां छोड़कर चला गया। अरे मुझे तो शर्म आती है कि आप जैसे बेटे भी इस दुनिया पर होते हैं। और आपको पता है जब मैं आपके माँ बाप को ले जाने की बात कर रही थी उनसे, उन्होंने मुझसे क्या बोला?
कि वो मेरे साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनका बेटा उनको लेने आएगा। लेकिन उन माँ बाप को कौन बताए कि उनका बेटा तो अब उनको लेने आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि आप तो लालची है ना, आप तो बस पैसे लेने गए थे। और वो सब सुनने के बाद मैं आपके माता पिता को अपने साथ लेकर गई, तब मुझे सारी सच्चाई का पता चला और मुझे लगा कि उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहिए। तब मुझे पता चला कि उनका बेटा यानी कि आप, जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसी इंसान ने उनके साथ धोखा किया। आपको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब गेम खेला, मैंने एक ब्लैंक चेक बनाया और सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन लिए ताकि वो सारे पैसे मुझे वापस मिल सके और वो पैसे मैं आपके माँ बाप को दे सकूँ। और वो पैसे आपके माँ बाप को मिल भी चुके हैं, अब वो पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ फ्रॉड किया है। और आपको पता है ना फ्रॉड की सजा क्या होती है? जेल। आपको जेल जाना होगा। जेल? नहीं नहीं मैम, मुझे जेल नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई। अब ये मत सोचना कि आपको माफी मिलेगी क्योंकि आपकी ये गलती कोई माफी के लायक नहीं है, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। अरे आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी सारी खून पसीने की कमाई आपको दे दी, आपको शहर भेजा ताकि आप पढ़ लिख सके, कोई अच्छी नौकरी पा सके, और आपने क्या किया, उनको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस दुनिया में कोई आपका जैसा बेटा भी हो सकता है जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे। आपको इस गलती की बिल्कुल सजा नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना ही होगा। हाँ एक चीज कर सकते हैं जिससे आपकी ये सजा कम हो जाए। खैर मुझे तो लगता नहीं है कि आपके माँ बाप आपको माफ भी कर पाए क्योंकि आपकी ये गलती कोई माफी के लायक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। बस अब मेरे सामने ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है, अगर आपको माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगो। और हाँ भागने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना क्योंकि पुलिस के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आती होगी आपको पकड़ने के लिए। अब जाइए यहाँ से। मम्मी पापा आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझसे जो हुआ वो सब मेरी नादानी थी। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा अब तुम्हें अपने माता पिता की याद आई है, हैं? देखो बेटा अगर कोई पराया ऐसा करता ना तब तो हम समझते भी, अरे तुम तो हमारे अपने बेटे थे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि गांव का घर मेरे माँ बाप बेच चुके हैं, जमीन बेच चुके हैं, उनके पास पैसा कोई नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, सोचा तुमने एक बार भी? देखो आराम से तुम्हें बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल ना दोबारा हमें मत दिखाना, जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज पापा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बस एक बार। मम्मी मैं आपका ही बेटा हूँ ना पापा। देखो बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मंडल मैडम के आदमियों को बुलवा कर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकला दिया जाए। मम्मी जाओ यहाँ से।